हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा यहाँ पे दूसरा दिन। कल हम रात में आए थे और संगीत के फंक्शन को एंजॉय किया। आज है शादी, तो आज दिन भर पूरा क्या चीज़ें होंगी, कैसे रिचुअल्स होंगे, और एक छोटा सा होम टूर भी मैं आपको कराऊंगी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और घर इनका बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि इस टाइप से कुछ। पहले नीचे चलते हैं, चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ लॉन में हम आ गए, तो सबसे पहले पी मैंने चाय, फिर ब्रेकफास्ट के लिए हम गए तो देखा यहाँ पे मलइयो था, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। तो चलिए ब्रेकफास्ट लेते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है और हम लोगों ने ले लिया है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में हमारे आलू पूरी और मलइयो। तो चलिए, क्या है ब्रेकफास्ट? अभी मैं टेस्ट करूँगी, फिर पता चलेगा। मलइयो मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। हाँ, टेस्ट करके बताइए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम खुला खुला सा है और बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है। बैठ के हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। अब चलिए ऊपर चलते हैं, छत पे आने के बाद, मतलब अपने रूम में आने के बाद ऊपर से कुछ इस तरीके का व्यू दिख रहा है, देखिए। तो चलिए मैं आपको छोटा सा होम टूर देती हूँ। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ कि स्टेज वगैरह किधर बन रहा है। और ये है पूरा इनका लॉन, और सामने ये बन रही है जयमाला के लिए स्टेज इस ग्राउंड में। और इधर हो रहा है ये, जो कि क्लोज गेस्ट होंगे और रिलेटिव्स घर वालों के लिए, यहाँ पे ये पंडाल बन रहा है, टेंट, मतलब जो खाने पीने का अरेंजमेंट होगा। और बारातियों के लिए बाहर हो रहा है। फिर मैं आई अपने बाबू से मिलने। अब बोलोगे नहीं? तीजी के बोलो, बुआ बुआ बुलाओ। बुआ बुआ। अच्छा, कौन है? बाबू। बाबू, और ये कौन है? बुआ। बुआ, अच्छा। आप कौन है? और वो कौन है? कौन है? कौन? नीतू नानी। कौन है? नीतू नानी। नीतू नानी, अच्छा। घर के जिस पार्ट में मैं रुकी हुई हूँ, चलिए आपको वहाँ का होम टूर देती हूँ। तो ये है यहाँ का पैसेज एरिया, साथ में ये दो रूम है और ये वाला मेरा रूम है। अब चलिए हॉल में चलते हैं। ये है यहाँ का हॉल, ड्राइंग रूम जिसे कहेंगे, बहुत ही बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस। और देखिए इतने सारे सोफे वगैरह इसमें लगे हुए हैं, लुक वाइज कुछ इस तरीके से है। चारों तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ। ये ब्यूटीफुल सा, ये बहुत ही खूबसूरत हॉल है। और ये है डाइनिंग एरिया, तो यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल है और साथ में ही किचन है, ओपन किचन है। किचन भी काफ़ी बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, देखिए इंटीरियर वगैरह का बहुत अच्छा है। अभी इस किचन में खाना वगैरह नहीं बनता है, वो एक ही जगह उधर घर पे बनता है। बस यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनके रुकने का अरेंजमेंट होता है। ये दो रूम इधर हैं। घर के इसी पार्ट में जिम है, चलिए अंदर से जिम को दिखा देते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही बढ़िया जिम बना हुआ है। सारी चीज़ें जो भी होती हैं वर्कआउट के से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से है पूरा, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये इनका अपना बच्चों के लिए इन्होंने बनाया है, जो भी घर के बच्चे हैं वो अपना इसमें जिम कर सकते हैं, क्योंकि ये घर जो है ये गाँव में है और इनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। चलिए छत पे ऊपर चलते हैं, ऊपर से भी व्यू दिखाती हूँ। तो ये है इस घर की छत, जो कि देखिए इतनी बड़ी है। तो घर ये इनका अपने घर के अंदर ही पर्सनल पोखरा या तालाब जो भी है वो है, जो कह रहे हैं आप। और ये यहाँ पे देखिए सारी डेकोरेशन हो रही है और ये है उधर जाने का रास्ता। धूप बहुत अच्छी हो गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम खुला खुला सा है, पूरी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, डेकोरेशन हुआ है, जो बारात आएगी बारातियों के स्वागत के लिए ये पूरा एरिया डेकोरेट किया गया है। काफ़ी बड़े जगह पे ये सब हो रहा है, आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे सूफी नाइट अरेंज किया जाएगा। और तो ये वो जगह है जहाँ पे कल संगीत का फंक्शन हुआ था, ये लॉन है। और उधर देखिए वो जयमाला का सेट बन रहा है, सामने जो रेड वाला ये सब पार्ट दिख रहा है, जो मतलब घर दिख रहा है, वहीं पे सारे रिचुअल्स होंगे प्रॉपर। ये लोग उसी घर में रहते हैं, सबसे पहला घर, बड़ा घर उन लोगों का वही है। और ये सारा कुछ एक बाउंड्री के अंदर है, मतलब आपको ये घर एकदम रिजॉर्ट वाली फीलिंग देगा।
क्योंकि स्पेस ऐसा है, लोकेशन भी ऐसी है और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आप लगेगा आपको किसी डेस्टिनेशन वेडिंग में आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी घर की शादी में हैं। और उतना तो मैं कैमरे में कैप्चर भी नहीं कर पाऊंगी और ना उस तरीके से दिखा पाऊंगी जिस तरीके से ये जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल। फिलहाल ये सब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। और आपको लुक वाइज कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये ऑलमोस्ट जयमाला का स्टेज रेडी हो गया है। रेडी होके हम चलेंगे जहाँ पे सारे रिचुअल्स हो रहे हैं जिस जगह पे घर में। चलिए फटाफट से चलते हैं वहाँ पे। हम घर में आए तो हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है, ये कोहता की पत्री, तो उसमें लड़की और पांच लड़कियाँ बैठ के खाना खाती है, तो वो रस्में शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे वो रस्में हो रही हैं। तो आगे आप देखिए इंजॉय कीजिए, मैं भी करती हूँ। यहाँ पे लड़की का फेस कवर करके कोई रस्म है, जो खाना लड़की ने पत्तल में खाया वो ले जाके कहीं पे उसको रखवाते हैं, तो इसके लिए सारे लोग जा रहे हैं। और आके ये खेत में इसको जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब चीज़ें हो रही, मैं भी देख रही हूँ साथ में, आप भी देखिए। मुझे खास पता नहीं है लेकिन इस तरीके से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो कुछ हो रहा है यहाँ पे। बेटू बाबू संगीता को बुला दो। वो रिचुअल्स खत्म हुआ, फिर हम घर में आ गए। और यहाँ पे ये मेरे साथ हैं श्रद्धा, जो कि कोलकाता से आई हुई, इनके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हमारी हो गई है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मंदिर ना? हाँ, तो अभी हम लोग जाएंगे काली जी के मंदिर। धूप भी हो गई थी और यहाँ पे अमरूद के पेड़ में खूब सारे अमरूद लगे थे, हमने खूब सारे अमरूद तोड़वाए। अच्छा, ये क्या चीज है, ये नहर है? अच्छा, हम लोग आए हुए हैं मंदिर। तो ये सामने जो देख रहे हैं खेत में, इन लोगों का पोल्ट्री फार्म है। तो मंदिर से हम लौट आए हैं और ये है इस घर का मेन गेट, दो गेट है, तो ये एक गेट है और ये साइड से जो डेकोरेशन हो रखी है ये जाएगी उस पंडाल तक जहाँ पे घर का ये सारी अरेंजमेंट हुई है। और जो भी लोग आएंगे तो ये बहुत ही दूर में ये डेकोरेशन हुआ है, तो हम उधर तो नहीं जाएंगे, आपको दूसरे दिखा देते हैं बारातियों के। कुछ इस तरीके से ये रास्ता जो है पूरा डेकोरेट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन और जो भी डेकोरेशन। सामने बन रहा है स्टेज और काफी खूबसूरत स्टेज वो जगह बन रहा है। और यहाँ पे हो गई है ऑलमोस्ट प्रिपरेशन,
तो शाम को आपको फाइनल देखने को मिलेगा कि व्यू कैसा आ रहा है। सारे रिचुअल्स होते होते लंच का टाइम भी हो गया था, तो यहाँ पे हमने आके लंच किया और बहुत थक गए थे, खूब घूमा। आज बहुत दिनों के बाद मैं गाँव में घूमी। तो आज के लंच में है कोफ्ते, दाल, करी और ये क्या है, दही बड़े। तो आज का लंच ये है, सिंपल खाना था, बहुत टेस्टी लगता है। बाहर निकल के ना सिर्फ दाल चावल मिल जाए, फल के मिल जाए बस। आप रोटी नहीं ली? हाँ रोटी नहीं ली ना, मैं खाली रोटी। अच्छा, इस टाइम स्वीट डिश में था फालूदा कुल्फी, जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो डाल के लाओ एकदम कुमार जैसा, कुमार कुल्फी जैसा। तो अभी फालूदा और डलवा लेंगे, बहुत अच्छी है। तो शाम हो गई और लाइट जलने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी रात में तो और अच्छा दिखेगा। फिलहाल अभी हम चलेंगे, रेडी होंगे, और अभी घर के अंदर जो जयमाला के बाद शादी के जितने रिचुअल्स होते हैं वो सब चीज़ें जो होंगी वो मैं अभी घर वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगी कि वहाँ का सब कुछ कैसा है। और आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पे वेन्यू रेडी हो गया है और ये पूरा घर है, और ये जो आपको सामने तालाब दिख रहा है ये भी इसी घर का पार्ट है। और शाम होते ही गेस्ट आना यहाँ पे देखिए शुरू हो गया है। यहाँ पे लोग स्टार्टर इंजॉय कर रहे हैं और व्यू भी बहुत खूबसूरत है। सब कुछ कंप्लीट हो गया, ऑल डन। अब हम भी रेडी होंगे और ब्यूटीफुल से वेन्यू को एंजॉय करेंगे और शादी को। तो आप भी ब्लॉग में बने रहिए, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो शादी नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तो अब हम रेडी हो रहे हैं, टाइम हो गया है बारात आने का, तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे।